कृषि कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा से जो सांसद है पंजाब से जुड़े हुए अकाली के, और उसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि अकाली दल के जो सांसद हैं और ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लगातार जो है सुखबीर बादल भी हैं, हरसिमरत बादल भी हैं, नरेश गुजराल हैं, ये जो तमाम सांसद जो कि अकाली से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें दिखी थी और आज भी कुछ उसी तरीके की जो तस्वीरें दिख रही हैं, गिव द फार्मर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट रिपील 3 फार्म्स लॉ, इस तरीके के यहां पर जो है हमको लगातार जो संदेश दिख रहे हैं। सर, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे पूरी करो, सरकार कह रही है हम तो बातचीत को तैयार हैं, किसान तो आए। बातचीत से नहीं होगी बात, क्योंकि वो लगातार 16 बार बातचीत कर चुके हैं, इंटेंशन सरकार की नहीं है। अगर बातचीत से बात होती जो 16 बार बात की थी तब फैसला कर लेते, अब वो जान के वो बातचीत का बहाना लगाकर श्रम करो किसानों पर जुल्म करना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए अगर वो सिंसियर है, कानून को कैंसिल करें, बंद करें और फिर डिस्कशन करें, और अगर कोई चीज चाहिए तो किसानों के साथ मिलकर लेके आना, वो लेके। हरसिमरत कौर बादल भी हमारे साथ में। मैम, सरकार कह रही है कि इस तरीके से हंगामा होता रहेगा तो चर्चा कैसे होगी? उसके लिए तो चर्चा के लिए जरूरी है कि शांतिपूर्वक माहौल में चर्चा हो। तो लिस्ट कर दीजिए ना, हम लोग पहले दिन से एडजॉर्नमेंट मोशन दे ही जा रहे हैं, और अभी से नहीं बजट सेशन से दे रहे हैं। बजट सेशन में किसानों की बात करने नहीं दी, आज भी करने नहीं दे रहे हैं, रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। मोशन एक्सेप्ट करिए और हाउस चलेगा, चलाना नहीं चाहते, क्योंकि पूंजीपतियों के हक में ये बिल है। किसान का भविष्य उसकी पेट में लात मार रहे हैं, वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। कानून जिंदा रहते हैं तो किसान मरता है। अगर ये सरकार चर्चा चाहती है तो उसको लिस्ट करे, और जब तक नहीं होगा तो इस प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा, ये कहना है अकाली सांसदों का जो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। किसान कानून के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान। काले किसानी कानून वापस लो, अन्नदाता को उसके पूरे हक दो। सर, आप लोग कह रहे हैं कि काले कानून वापस लो, सरकार कह रही है किसान बातचीत तो करें, बातचीत ही नहीं कर रहे हैं तो क्या हल निकलेगा? 11 दौर की बातचीत हो भी चुकी है, जब सरकार की नीयत ही नहीं है। किसान कह रहे हैं काले कानून वापस ले लो, इन कानूनों को रिपील करने के लिए हर रोज हम एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देते हैं, नहीं चाहती सरकार। वो कहते हैं जी इसके बिना कोई और बातचीत क्या करनी है, जिनके फायदे के लिए कानून बनाए हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए तो कानून वापस लेने का नुकसान किसको है? इसका मतलब कोई पूंजीपति है इस कानून को बनवाने के लिए जिसका नुकसान हो रहा है? क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ऐसा? 600 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, आज 8 महीने हो गए पूरे, 26 जुलाई है, 26 नवंबर को आए थे, तो 8 महीने में उन्होंने सर्दियाँ भी झेली, गर्मियाँ झेली, तूफान झेले, अब वो परिवारों बच्चों सहित बैठे हैं और उनको उनके बारे में नाप छनाप, मवाली, गुंडे, आतंकवादी, नक्सली पिकनिक मनाने आए हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अन्नदाता का सत्कार करना चाहिए, तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों से बातचीत की गई है, उनको विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ये तो जिद पड़ने वाली बात है ना कि तीनों कानून वापस लो, जबकि वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। देखो, जब मौत का वारंट जारी हो गया, ये काले कानूनों को किसान मौत का वारंट कह रहे हैं, मौत के वारंट में संशोधन हो सकता है कि मौत का वारंट तो जारी रहेगा, आपको मौत तो मिलेगी लेकिन आप चुन सकते हो कोई अच्छा तरीका मरने का, कि आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाए, या आपको फांसी की सजा दे दी जाए, लटका दिया जाए। तो ये वही बात है, मौत के वारंट को वापस लेने से ही जान बचती है। तीनों काले कानून मौत का वारंट है, वापस लेना चाहिए। तीनों काले कानून मौत का वारंट है, वापस लेना चाहिए। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, सरकार कह रही बातचीत को तैयार, बशर्ते किसान बातचीत करें। तो संसद से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे पर हंगामा भी हो रहा है और विरोध प्रदर्शन भी। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।